गिरफ्तार कर लिया है। वन विभाग की ओर से लगातार भेड़ियों को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। जुलाई से ही बहराइच के महसी इलाके में भेड़ियों का आतंक काफी बड़ा हुआ है। भेड़ियों के हमले के अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 9 बच्चे और एक महिला शामिल है। 6 भेड़ियों का झुंड बहराइच के लगभग 50 गांवों में आतंक मचाए हुए था। इन भेड़ियों ने गांवों के लोगों की नींद उड़ाई हुई थी। तो वहीं वन विभाग की ओर से लगातार भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। वन विभाग ने पहले ही 4 भेड़ियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से 2 भेड़ियों की तलाश चल रही थी। अब 5वां भेड़िया वन विभाग की गिरफ्त में है। बचे एक भेड़िए की तलाश के लिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। बहराइच जिले की महसी तहसील के भेड़िया प्रभावित क्षेत्र में विभिन्न जगहों से भेड़ियों को दिखने की झूठी खबर और तलाश स्थलों पर एकत्र होने वाली लोगों की भीड़ के कारण वन विभाग को भेड़ियों को पकड़ने या उन्हें मार गिराने के प्रयास में बाधा का सामना करना पड़ा। भेड़ियों ने जुलाई के मध्य से अब तक 8 लोगों की जान ले ली है और करीब 20 से अधिक लोगों को घायल कर दिया है। वहीं DFO अजीत प्रताप सिंह ने कहा कि जब तक हम तलाशी अभियान के लिए किसी स्थान पर जाते हैं और पग मार्ग के आधार पर तलाशी शुरू करते हैं तो आम जन अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाते। लोगों की भीड़ से अभियान में बाधा आती है और जानवर के भाग निकलने की संभावनाएं बन जाती है। हालांकि बीते 2 दिन उपद्रवी भेड़िया ड्रोन अथवा स्नैप कैमरों में कहीं दिखाई नहीं दिया। वन विभाग के 165 कर्मियों व 18 शूटरों की मदद से पूरी कोशिश की जा रही है और गश्ती दल दिन रात निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा 4 थर्मल ड्रोन लगातार उड़ान भर रहे हैं। भेड़िया प्रभावित गांवों के 120 घरों में दरवाजे लग चुके हैं। 300 से अधिक घरों को दरवाजे लगाने के लिए चिन्हित किया गया है। कुछ इलाकों में सोलर लाइटें लगाई जा चुकी है और कुछ क्षेत्रों में इस पर काम जारी है। मंगलवार यानी 10 सितंबर को ऑपरेशन भेड़िया के शुरू हुए 51 दिन बीत चुके हैं। 4वां भेड़िया कैद होने के बाद बीते 10 दिनों से वन विभाग को कोई उल्लेखनीय कामयाबी नहीं मिली थी और इसी बीच ये अच्छी खबर आ गई है। देखिए, 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। 1 अभी भी फरार है, भागा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका खराब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हमारी ये टीम है जो है, कुछ यहाँ पर हमने कुछ किराए पर लोगों को रखा है जो यहाँ पर हमारी सामान ले आने ले जाने में वो तमाम तरीके से मदद कर कवर्ड करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको इस निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। देखिए, मैं शुरू से ही बोलता आया हूँ कि ग्रुप में काम करते थे और एक कम होते गए, लेकिन इनकी आदतें खराब हो गई थी। आदमी के बच्चों को शिकार करने का इनकी आदतें खराब थी। ये जब तक ये सभी 6 पकड़े नहीं जाते तब तक समस्या ये। देखिए, ये बहुत बड़ी सक्सेस है हम लोगों की। 4 पहले पकड़े थे, आज हम लोगों ने एक और वुल्फ पकड़ लिया, तो हम लोगों ने 5 वुल्फ्स को रेस्क्यू कर लिया है और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। इसमें हमारे जो DFO साहब है अजीत और उनकी टीम, इसने मिल करके इस कार्य को अंजाम दिया है। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि कल हम लोग ये सूचना मिली थी कि नथवापुर से इसने एक बकरी को लिफ्ट किया था। फिर इसके पगमार्क्स को हम लोग ट्रेस करते करते हम समझ गए थे कि अभी अपनी होमिंग टेंडेंसी की तरफ है। इसके पगमार्क्स को ट्रेस करते करते हम लोगों ने फिर जाल लगाया और वेट किया, फिर और मतलब वेट किया क्योंकि रात में रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं सकता है। फिर हम लोगों ने मॉर्निंग में इस ऑपरेशन को किया और अर्ली मॉर्निंग हमने इसको उठा लिया। हमारे संवाददाता जितेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जानकारी के लिए, क्या कुछ वो कहते हैं आइए आपको सुनवाते हैं। जी जितेंद्र जी, भेड़िए को कहां से पकड़ा गया है, क्या कुछ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उसको पकड़ने के लिए? देखिए, भेड़िए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बहराइच की बात करें तो लगातार बहराइच में जो है भेड़ियों को पकड़ने के लिए जो है लगातार जो है CCTV कैमरों की निगरानी में अगर हम बात करें या फिर ड्रोन कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जा रही। तो इस दौरान आपको बता दें कि तमाम ऐसे परिवार दहशत में थे और काफी ऐसे इलाके थे जिन परिवारों को जो है सुरक्षित स्थानों पर रात के समय जो है उनके पर हमला न कर दे, जिसके चलते उनको रखा गया था। और एक बड़ी सफलता हाथ लगी है वन विभाग को, जो 5वां भेड़िया था उसको जो है गिरफ्तार किया गया और आगे भी एक भेड़िया अभी भी जो है जो आतंक का पर्याय बना उसको लेकर भी टीमें सक्रिय हैं। और लगातार जो वन विभाग के आला अधिकारियों द्वारा साफ रूप से बयान सामने आ रहा है कि
जल्द ही वो भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो ऐसे में साफ रूप से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके निर्देशन में लगातार अगर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगर हम बात करें सीतापुर की या बहराइच की या फिर बाराबंकी में कहीं तेंदुए का तो कहीं सियार का, तो आतंक जो बढ़ता जा रहा था इसको लेकर जो है लगातार सरकार सक्रिय होकर जो है गंभीर थी और मामले को लेकर बड़ी सफलता मिली है। जो पांचवा भेड़िया था उसको पकड़ा गया है, तो आगे भी जो है जो वन विभाग की टीमें हैं उनके द्वारा जो है लगातार युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ा जा रहा, ऐसे में जो छटुआ है उसको भी पकड़ने के लिए लगातार जो है अब टीमों को अलर्ट किया गया। और यहाँ तक कि हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 112 पुलिस को भी उन इलाकों में लगाया गया है जहाँ पर सुनसान इलाका है, जंगली इलाका है, तो उन स्थानों पर लगाया गया कि जल्द ही वो भी भेड़िया जो फरार है उसको भी गिरफ्त में लिया जाए। तो लगातार जो चर्चाओं का बाजार गर्म था और ऐसे में लोगों में दहशत व्याप्त हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, जिसके रोकथाम के लिए लगातार अधिकारियों की कविंग और लगातार जो है टीमों के जरिए जो है मतलब लगातार खोज करना और भेड़ियों को गिरफ्तार करने के लिए या फिर अगर नाकाम होने पर शूटआउट के आदेश भी दिए गए थे। प्रियंका बताइए कि किसी के घायल होने की सूचना मिली है या नहीं मिली है, क्या भेड़िया घायल हुआ है इस पूरे ऑपरेशन में या फिर किसी अधिकारी के घायल होने की खबर अभी सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका आपको बता दें किसी भी प्रकार की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले को लेकर अगर हम बात करें जिले के कंजीवेटर या डीएफओ तो और लगातार जो वन क्षेत्र के रेंज अधिकारी हैं वो लगातार इलाकों में लगे हुए हैं, किसी भी मतलब अप्रिय घटना का कोई भी वो नहीं है, लेकिन लगातार जो अभियान है भेड़ियों को पकड़ने के लिए वो लगातार वन विभाग की कई टीमों द्वारा जो है जारी है।